दूसरे विधानसभाओं में अभी लगे हुए हैं चर्च मावन करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी ढाका विधानसभा में अपने जनता जनार्दनों के बीच में उनको न्योता देने के लिए बिल्कुल खड़ा हूं। जहां तक उन्होंने न पहचानने की बात कही है, कौन है अभिजीत सिंह, यही कहा ना उन्होंने, कौन है अभिजीत सिंह, वही है अभिजीत सिंह जो सड़कों की चौड़ीकरण की बात करता है, जो फुलोरिया घाट की बात करता है, जो ढाका के 3,15,000 लोगों के दुख दर्दों की बात करता है, वही है अभिजीत सिंह जो किसानों की बात करता है। मेरा काम है यहाँ की मूलभूत समस्याओं को उठाना, और मैं आज भी उठा रहा हूँ, और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं यहाँ की समस्याओं को उठाता ही रहूंगा। जो व्यक्ति ये कहता हो कि राजनीति एक व्यवसाय है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा की जाए? नहीं, आपको तो पहचानने से भी इनकार कर दिए हैं। देखिए, आप पहले आपका जो सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ। वो अब ढाका के रही नहीं गए, ठीक है ना, वो अब ढाका के हैं ही नहीं। उनको अगर ढाका के मान सम्मान की बात होती तो जो उन्होंने कुड़नी में जो स्टेटमेंट दिया था या उनके साथ जो बड़े नेताओं ने उनके दिया था, तो वो उस पर कहीं ना कहीं खेद प्रकट जरूर करते। रह गई बात कि वो दूसरे विधानसभाओं में अभी लगे हुए हैं चर्च मावन करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी ढाका विधानसभा में अपने जनता जनार्दनों के बीच में उनको न्योता देने के लिए बिल्कुल खड़ा हूं। वही है अभिजीत सिंह जो सड़कों की चौड़ीकरण की बात करता है, जो फुलोरिया घाट की बात करता है, जो ढाका के 3,15,000 लोगों के दुख दर्दों की बात करता है, वही है अभिजीत सिंह जो किसानों की बात करता है। माननीय विधायक जी, आपको यहां के लोगों ने चुनाव किया है, आप यहां के मुद्दों की बात कीजिए, यहां की जन समस्याओं को उठाइए। यहां की बात आप कब करेंगे? आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है। अब आप तो ढाका विधानसभा के रही नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं ढाका की जनता को, यहाँ के 3,15,000 लोगों को ये सोचने का समय आ गया है कि क्या उन्होंने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो उनके दुख दर्द में शामिल नहीं है। केवल फोटो खिंचवा लेना, फेसबुक पर खुशखबरियां बांट देना, ये जनता हित में कतई नहीं है। चुनाव तो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं ना, पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है। आप वहां से लड़िए, अगर आपको वहां के लोगों के लिए ज्यादा प्रेम है आपके अंदर, तो आप वहां से जाके चुनाव लड़िए। ढाका ने एक उम्मीद से आपको आपका चुनाव किया। जब आप विधानसभा में बोलते हैं तो आप मोतिहारी में एयरपोर्ट मांगते हैं, आप ढाका की बस पड़ाव, घोड़ासन के बस पड़ाव की बात नहीं करते हैं, ट्रेन की ठहराव की बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप किसानों की बात नहीं करते हैं, आप केवल और केवल राजनीति को एक व्यवसाय बनाकर अपने जीवन में धन अर्जित करने का एक तरीका बना चुके हैं। और मैं अपने 37 पंचायत का मैं नेता नहीं हूं, मैं इस पूरे के पूरे ढाका विधानसभा का बेटा हूं, भाई हूं। मेरा काम है यहां की मूलभूत समस्याओं को उठाना, और मैं आज भी उठा रहा हूं, और मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं यहां की समस्याओं को उठाता ही रहूंगा। जहां तक अभी आप किसान की बात की जाए, तो ढाका विधानसभा के अंदर 37 पंचायत है, और हमारा जो ढाका विधानसभा है उसमें 70% से 80% लोग किसान खेती पर आश्रित हैं। आज खाद की स्थिति क्या है? क्या वर्तमान प्रतिनिधियों ने सरकार से या डीएम साहब से इस पर बात करने की कोशिश करी? जब हमारा जमीन नहीं बढ़ा है, जमीन बढ़ता है नहीं बढ़ता जी, जब हमारे जमीन नहीं पड़े हैं तो हमारा खाद कहां चला गया? जो लोकल वेंडर हैं, जो लोकल लाइसेंस धारी हैं, उनको खाद क्यों नहीं मिल रहा है? केवल घोड़ासन में एक विस्कोमान जो उसको पहले 1,000, 2,000, 5,000 बोरा मिलता था, आज उसको आप 400-500 बोरा पर रख रहे हो। तो सवाल, जो व्यक्ति आपके लिए, जनता के लिए सवाल करे, मैं जनता से भी अपील करूंगा ढाका के, आप उसका चुनाव करिए, आप उसका चुनाव मत करिए जो आपकी वोट से तो जीत जाता है और आप ही को कलंकित करता है कुढ़नी विधानसभा में जाके। आप ही के वोट पर वो विधायक तो कहलाता है, लेकिन वो मोतिहारी की बात करता है, वो चुमावन करने की बात करता है। अरे, आप 4 दिन के लिए मोतिहारी गए हैं, 4 दिन के लिए गांधी चौक पर कब बैठे? घोड़ासन में आप कब रहे? कब आप जनता की समस्याओं पर बात करेंगे?